जो मोदी सरकार 2 है उसका पहला साल का रिपोर्ट कार्ड आप लोग जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, इसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं सर? मुख्य बात तो सर्वविदित है कि पिछले 5 साल और 1 साल इधर 6 साल के काम का हम लोग जनता को हिसाब दे चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इस 1 साल का जो आप काम पूछ रहे हैं तो वर्षों वर्ष का जो कलंक था देश पर, चाहे धारा 370 हो, 35 हो, कश्मीर की समस्या हो, या आपको कई राष्ट्रीय समस्याएं थीं जिससे देश जूझ रहा था, इस पर निर्णय किस सरकार ने लिया उस पर निर्णय हुआ और आज आपका कश्मीर आपके सामने है। आगे भी जो सरकार की सोच है आप चारों तरफ से देख रहे हैं, कहीं चाइना आपसे पीछे हट रहा है, पाकिस्तान कहीं आपसे डर रहा है, तो आखिर देश स्तर पर सरकार ने जो मजबूत काम किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, एक मजबूत सरकार मिली, तब तो देश का आज भला हो रहा है। और मोदी जी के काम के विषय में जो आप पूछ रहे हैं तो इसी से आप अंदाज़ा करें कि आप क्या कहना चाहेंगे। हम तो जो क्वेश्चन है आपसे, हाँ बोलिए, COVID-19 चल रहा था देश में, अभी भी चल रहा है, क्या चुनाव के लिए भाजपा के लिए टेंशन है, जनता के लिए टेंशन नहीं है क्या सर? जनता इस समय बेरोजगारी से जूझ रही है और आपके जो मतलब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी मतलब जनता को संबोधन कर रहे हैं, वो भी डिजिटल रैली के लिए, बिहार चुनाव दिखाई दे रहा है, जनता का दर्द क्या नहीं दिखाई देता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों देखना है। हम एक तरफ लोकतंत्र के लिए भी तैयार हैं और जनतंत्र के लिए भी तैयार हैं, जनता के सवालों पर भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। हम सब मिल करके कोरोना काल में सबका सहयोग कर रहे हैं, सरकारी सहयोग मिल रहा है और स्थानीय तौर पर भी मिल रहा है, लेकिन चुनाव अपने जगह पर है, चुनावी का भी एक समय होता है। और गृह मंत्री जी जो चुनाव के संबंध में आप बोल रहे हैं तो चूंकि एक प्रैक्टिकल किया गया है कि आगे चल करके इस काल में यदि चुनाव होता है तो हम रैली के तौर पर नहीं कर पाएंगे, तो एक प्लानिंग के तहत ऐसा प्रैक्टिकल किया गया है कि ये सफल होता है कि नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हम खुशी में चुनाव कराने जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नहीं। यही बिहार है जहाँ पर आज के डेट में नेटवर्क नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर मोबाइल संचार कंपनियों का नेटवर्क नहीं है और पहुँच नहीं है और BSNL जैसी कंपनी घाटे में चल रही है, तो इस समय बिहार में कैसे डिजिटल वे में चुनाव कराया जा सकता है जहाँ पर साक्षरता की दर बहुत कम हो? इसके लिए सिर्फ सरकार को नहीं कहा जा सकता, अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि हमको भी जगना पड़ेगा, आपको भी जगना पड़ेगा। सरकार सब कुछ सुविधाएं दे रही है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, फिर भी धरातल पर आपका उतर क्यों नहीं रहा है? आप शिक्षा की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, संचार में देखिए आखिर ये केबल का तार कौन काटता है, उसका रक्षा कौन करेगा? स्थानीय लोगों को करना चाहिए। केबल तार कटा आपका नेटवर्क बढ़िया नहीं मिलेगा, BSNL के घाटा में जाने का वजह कौन है? क्या सरकार है? सरकार के जो पदाधिकारी बैठे हैं क्या वे पब्लिक में नहीं आते हैं? क्या वे भी पब्लिक से आते हैं? एक आदमी को सोचने का जरूरत है। BSNL लॉस में जाती है, वहीं पर डिजिटल जियो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जाती है, ऐसे क्या नौबत आई कि जब देश के प्रधानमंत्री मतलब कभी जियो का एडवर्टाइजमेंट करने पर उतर आए थे? देखिए एक उदाहरण लेकर बीजेपी के, हाँ ठीक है, मतलब क्वेश्चन है ये, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एक साधारण सा नाला सरकारी पैसे से बनता है तो पब्लिक कहती है कि इसको गोबर माटी से भर दो, इस सरकार का है, और वही यदि अपने पैसे से बनाती है पब्लिक तो उसका देख रेख करती है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का देख रेख हम लोग के जिम्मे भी है जिसको हमें देखना चाहिए। और क्वेश्चन और रहेगा, माफ़ी चाहूँगा आपसे, कि अभी COVID-19 का समय चल रहा था और आपने देखा होगा कि लाखों मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं वो बाहर से चल के बिहार में आए, और एक तो आपसे क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या कारण है कि पिछले साल 15 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ से माइग्रेशन नहीं रुक रहा है? माइग्रेशन के लिए सिर्फ 5 साल वाले को दोषी ठहरा रहे हैं, 6 साल वाले को और जो 40 साल 50 साल रहा उसको नहीं कहिएगा, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी ना। बिल्कुल, हमारे परिवार के सब हैं, हम कोशिश में हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और जगह जगह लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछाया जाए कि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। सरकार प्रयासरत है जी। लेकिन अब एक बैग पूरे चीज को चाहिएगा तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी। हम तो बहुत चंद दिनों से हम लोग सरकार में हैं, लेकिन पिछली सरकारों का क्या रिकॉर्ड रहा है उसी तो देखिएगा। COVID-19 का दौर चल रहा था जिसमें आपने कहा है कि वंदे मातरम और समुद्र सेतु ऐप से 2 चरणों में बड़े पैमाने पर लोग लाए गए, 30 देशों से लाए जाते हैं, मगर ऐसे इंडिया के ही लोग मतलब अपने देश में ही पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर हो गए थे? क्या संचार की व्यवस्था की कमी?
तो ये व्यवस्था की कमी, ये सरकार की कमी थी यानी बीजेपी की, हाँ, जो केंद्र की सरकार है। हाँ, जहाँ गलती होगी वहाँ तो स्वीकार करेंगे। सरकार के ऊपर एक बैग बोझ पड़ा और हम संभालने में थोड़ा अक्षम होने लगे सरकारें, और प्रशासन भी छितराया, क्योंकि एक तरफ लोगों की चाह थी कि हम जल्दी पहुँच जाएँ, और दूसरे तरफ एक सिस्टम होता है, सरकारी नियम होता है कि हम बस चाहे ट्रेन कोई भी चलाएंगे तो थोड़ा कागजी रूप पूरा करने में उसको समय लगता है, और लोग नहीं बुझता है इस बात को। लोग एक बैग रोड पर आ गया, कुछ अफवाह फैला दिया गया, इससे चलते लोग अफरा तफरी मची। हम इसके लिए थोड़ा दोषी हो सकते हैं, व्यवस्था में कुछ कमियां आई थी, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, सब सुविधापूर्वक आ रहे हैं और सब सुविधापूर्वक जा रहे हैं। ये बीजेपी का जो एक साल का बीजेपी सरकार का ये दूसरा जो मिशन चल रहा है, क्या ये सरकार का चुनावी एजेंडा है? नहीं, चुनावी एजेंडा तो देखिए, लोकतंत्र में चुनाव तो अपना एक मायने रखता ही है। जब हम चुनाव जीतेंगे, लोकतंत्र में हम कुछ करना चाहते हैं, तो जब हम सरकार में रहेंगे तभी आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो पब्लिक का सेवा हमको करना है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चुनाव लड़के हमको आना पड़ेगा, तो हम लड़ना तो चाहेंगे, जीतना तो चाहेंगे। लोगों के बीच में जाने को लेकर आप जो कार्य किए हैं, लोगों को बताने की क्या नौबत है? आप ऑलरेडी सरकार में हैं सर, सरकार में हैं, जो सरकार में रहता है वो कार्यकर्ता वो दिखाता नहीं। मैं बताना चाहूंगा, ऑलरेडी जनता को दिखता है सर। आपकी सरकार को क्या नौबत आ गई कि जो जनता के बीच में जाकर अपने कार्यों को गिनाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मैं बहुत काम किया विधायकी काल में, हम सोचे कि हम काम करें तो लोग जन्मे ना करेगा, और नहीं बताए तो लोग कहा कि कहाँ काम भैया कुछ पता नहीं किया। हम सब आप लोग कहता है कि काम आप बहुत किए थे, तो मेरा मानना है कि सरकार कामे कर दे और नहीं बताए तो सब पब्लिक नहीं जान पाती है। ऐसा नहीं बुझिए कि हम बताने आए हैं तो जनता सब जान ही रही है। आपका कहना सही है कि यदि आपका क्रियाकलाप आपका सही है, काम किए हैं, तो जनता खुद ही जाने की काम हुआ है, और लोग जनता कह भी रही है। ये बताने के लिए तो हम खाली कोरम पूरा कर रहे हैं, चूँकि हमारा फर्ज है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, लेकिन जनता सब देख रही है, जान रही है और कह भी रहा है लेकिन नहीं, बहुत अच्छा काम है आपके सरकार का, हम जहाँ जाना यही मिल रहा है माहौल। इसलिए ऐसा नहीं कहिए कि हमको नौबत क्यों आ गई, जब काम किए हैं तो ये प्रचार करने का, प्रचार होना चाहिए। बहुत से हमारे गाँव समाज के लोग हैं जो नहीं जान पाते, उनको जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।